गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कैबिनेट ने प्रदेश के समाज सेवी विकास, युवाओं के लिए रोजगार व नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 के अंतर्गत फर्नीचर और खिलौना इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एमएसएमई विकास नीति 2021 के अंतर्गत फर्नीचर और खिलौना निर्माण इकाइयों को विशेष वित्तीय सहायता देने का भी आज कैबिनेट ने तय किया है। इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाली इकाइयों को एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इसमें प्लांट, मशीनरी, भवन संबंधियों पर उद्योग विभाग विकास अनुदान 40% देय होगा। वित्तीय संस्थाओं के टर्म लोन पर 5% की दर से 5 साल के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। सभी पात्र नवीन इकाइयों को उच्च दाब विद्युत संयोजन के लिए 5 साल तक के लिए 100% विद्युत शुल्क की छूट दी जाएगी। उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन पर कमर्शियल उत्पाद दिनांक से 5 साल के लिए 1 रुपया प्रति यूनिट की सहायता दी जाएगी। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं आज दी गई हैं जो अपने आप में मध्य प्रदेश की एमएसएमई नीति में एक रिकॉर्ड है, जो लिखित में आप सबको आज हम जो प्रेस नोट जारी हो